राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करो आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपका अपने यूट्यूब चैनल आ सेकंड ऑफिशियल में तहे दिल से स्वागत है। और टाइम शाम के 5 बज गए हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है। और ईब रख रखे दूध गैस पे, कल का वो गर्म हो जाएगा और उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। आप व्लॉग में बने रही हो, व्लॉग वॉच करते रहियो और व्लॉग ने लाइक कर दियो पहले तो, और फुल वॉच करके व्लॉग ने, और फिर कमेंट करियो, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। चलो दिखाऊँगा आपने, देखो दूध गर्म कर दिया है। चलो फटिया नहीं, सोच रही थी मैंने तो कदम खराब हो जाए, बच गया। चलो टाइम तक कर दिया गर्म। और ये देखो, ये प्याज टमाटर काट लिए हैं और मिर्च कूट ली है, और ये आलू उबाल लिए हैं। अब छील दूंगी आलू ने और फिर बना लूँगी सब्जी। आप लोग मैं बने रही हो, वॉच करते ही रही हो, लोग ने फुल वॉच करियो, बीच में कट मत करियो प्लीज़। और ये देखो, ये आलू उबल गए थे और ये आलू छील लूँगी, बना लूँ सब्जी। और ये कैमरा सेट फ़ोन सा सेट सी नहीं हो रहा था, तो सही नहीं दिखा था, तो दोबारा से सेट कराया था। और आज वीर बैठा नहीं मैंने लेंटर पर, क्योंकि डर हुआ है कदे तेल की छीट छाट लाग जाए धो रहा है, और पड़ पड़ जा छोटा ही बतो है, समझदार भी कौन है इतना कि मान्य जावा कहे थे, छिड़का नहीं करे तो रहता नहीं बर्तना की, ये टोकरा एक बार ऊपर पड़ जावा बर्तना का। तो देखो आलू छील लिए है मैंने, और आज बनाऊँगी पतले आलू की सब्जी। और सबसे पहले व्लॉग ने लाइक कर दियो, और फिर फुल वॉच कर करके और फिर कमेंट करना है, और फिर करूँगी बर्तन साफ। और सुबह शाम तो काम के लग थी, जंग ही लड़नी पड़ा है, सुबह और शाम तो इतना काम हो जाए कि काबू में आना मुश्किल हो जाए, मुश्किल। और बच्चा में तो और ज़्यादा। और व्लॉग ने फुल वॉच करियो प्लीज़, बीच में कट मत करियो, और व्लॉग ने देखियो पूरा। छोक हो गया था, मतलब मसाला तैयार हो गया था, और ये मैंने आलू डाल दिए थे इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल कर फिर ना ढक दूँगी थोड़ी देर खातर, थोड़ी देर में बन जाएगी आलू की सब्जी। देखो ये थोड़ा सा पानी डाल दिया था और ढक दूँगी, मैंने छोक दिया सब्जी। चलो दिखाऊंगा आपने, देखो देखो पतले आलू की सब्जी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी, थोड़ी देर में देखो। और मैं निकाल लूँ इतना सब्जी बना झाड़ू, आप लोग ने वॉच करते रहिए प्लीज़, कट मत करके जाइयो लोग ने। और ही मैं लागी थी अगला कमरे में झाड़ू काटने, और उसके बाद रसोई में काटूंगी और फिर पीछे कमरे में जाऊंगी। और यहाँ पर ये कड़ी खंडा दे हैं ठंडा वगैरह, तो देख कितनी माखी है, और यहाँ तो एक आधे दिन तो आ भी जाऊँगा नहीं, साफ़ सफाई तो रहनी नहीं देंदी, कितना फिनाइल का पोचा लगा लो फिर भी एक मिनट में बूंदा कर दे, और फिर माखी आने तरह नहीं, देखो कितनी आ रही हैं।
गई थी पछला कमरे में, झाड़ू काट जाने, और ये परी ने सोफा का कवर फेंक रखे थे एक साइड में, तो दोबारा तो बिछाया था, रहने नहीं दी सोफा बताया, कवर को डुबे भी नहीं रहने दी। देखो बिछा दिया है, और इसके बाद काटने लगी थी झाड़ू, और बेडशीट अच्छे नहीं रखी थी इसने, क्योंकि आज सोफे पे कूदे थी, बेड पे कोई काम नहीं करा जिसने, ना कुछ खंडा मंडाई करी, बस नीचे करी है चाहे सोफे पर खंडा आया है। और देखो इस, देखो इस कमरे में तो निकाल दी झाड़ू, और भी हड़ के निकालूंगी झाड़ू, पीछे तक कमरे डंगा पा गया क्योंकि पीछे बच्चे कम जा हैं, अगले कमरे में मोल हैं, जो कि छड़ दम उतरा है, तो यार थोड़ा यार डंगा चला, देखो